हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू सोर रेम्बस ब्लॉग। आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। जी हाँ, तो आज एक और प्रोडक्ट वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैंने बाइक के लिए एक मोबाइल माउंट, जी हाँ रैम का ग्रिप एक्सेल माउंट खरीदा है। ये एक्चुअली 2 साल पहले ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो चलिए, इसको मैंने एक्चुअली बाइकर से मंगा के रखा है, आज घुसा है। तो बाइकर से मैंने इसको मंगाया था, तो इसको मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी करके रखा है। अनबॉक्सिंग बोले तो बस कट करके रखा है, अभी आप ही के सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये है, ये देखिए रैम माउंट का स्टिकर और ये बाइकर का 3D टाइप स्टिकर है ये। और अभी इसको खोलते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट है, एक्चुअली मैंने ये भर्सेस के लिए लिया है, आप इसको किसी भी बाइक पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैनुअल है और ये भी कुछ है, ये शायद वारंटी के तरह कुछ है। तो ये है रैम का क्विक ग्रिप एक्सेल। जी हाँ, इसको भी मोबाइल के हिसाब से कर लेते हैं, इसको ऐसे ही मोबाइल के हिसाब से सेट करना पड़ेगा यहीं पे। हाँ, और जाके बस ये वाला पोर्शन बाइक पे लगा रहेगा। जी हाँ, ये ऐसे करके लग जाएगा बाइक के ऊपर। इसको आप खोल सकते हैं, इसको ऐसे खोल के आप रख सकते हैं। तो इसको मैं मोबाइल के हिसाब से पहले अटैच कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे 4 नट लगेंगे, एकदम इजी है, ये मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैकेनिक के पास नहीं जाऊँगा। तो ये है एक्चुअली माउंट के लिए, तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ, बाइक में बाद में माउंट करते हैं। और ये है एडजस्टमेंट के लिए, तो पहले इसको धीरे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं मोबाइल के हिसाब से। ये सब नट यहाँ पे सेट होगा, 6 नट सेट होगा, उसके बाद ये मोबाइल साइड से नहीं गिरेगा। और बस आपको ऐसे करके खोलना है, मोबाइल खुल जाएगा बाइक के ऊपर भी और बंद हो जाएगा। तो चलिए फटाक से इसको इसके साथ सेट कर लेते हैं। तो मैं आपको एकदम इजीली इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कैसे करता है। तो ये आपको 4 ये एडजस्टमेंट मिलेंगे जो आपको मोबाइल को एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इसके साथ ये 2 नट, छोटा वाला नट है और बड़ा वाला नट। तो बड़ा वाला नट जो है वो होगा कनेक्टर, तो अभी इसका काम नहीं है। अभी मैं मोबाइल के एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे 4 जो है ऐसे ये लग जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके ये 4 लग जाएंगे। आपको मोबाइल के हिसाब से उसको ऐसे करके टाइट कर देना है, बस कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। मैं एकदम एक को लेकर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जाएगा ऐसे, सॉरी छोटा वाला लगेगा, मैंने बड़ा वाला ले लिया। तो ये एकदम छोटा वाला है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके नीचे से आपको ये बोल्ट देना पड़ेगा, ये देखिए बोल्ट को मैंने बस ढील करके रखा है अभी। और आपको इस स्क्रू के साथ इसको टाइट करना है मोबाइल को। आप इसको मैं पहले हटा देता हूँ, मोबाइल को आप पहले इसको ऐसे करके ढील कर लेता हूँ, मैं लूज कर लिया, अभी इसको बैठा दिया। अभी इसका देखिए, इसका विड्थ जितना है, ये जितना विड्थ होगा इसके हिसाब से आपको इसको टाइट कर देना है साइड वाला 4 नट, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा माउंट रेडी। जी हाँ, इस साइड के जो 4 ये एक्चुअली विंग्स की तरह है, तो इसको मैंने अपने फ़ोन के हिसाब से कर लिया है। अभी इसको बस इसको ऊपर से उठाइए, सिंपली इसके अंदर रखिए, बस हो गया। अभी ये किसी भी तरीके से नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी ऑफ रोड मारिए, हाई स्पीड पे चलाइए, नहीं निकलेगा। अभी चलिए इसको एकदम ये वाला ये लास्ट का जो पोर्शन है इसको बाइक के ऊपर माउंट करके दिखाते हैं आपको। तो मेरा रैम माउंट अभी फिक्स हो चुका है। जी हाँ, बस मैं इसको खोल के रखता हूँ, इसको ढील देने से इधर से ये नॉब खुल जाता है और ये ऊपर का पोर्शन मैं खोल के रख देता हूँ। ये देखिए एकदम फिट हो चुका है मोबाइल, अभी नहीं हिलेगा।
ये देखिए यहाँ पे अभी मैं मैप लगा के देख सकता हूँ एकदम बिंदास। तो यहाँ पे मैं अभी मैप लगा के एकदम देख सकता हूँ। तो आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। कीप सपोर्टिंग। देखते रहे मेरे चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।